हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपको बीपीएससी के TRE 1 TRE 2.0 के प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगी जीएस के, और जिसमें भी हिस्ट्री देखे आप। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने, शिशिर कुमार घोष ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप इसकी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में कलकत्ता में हुई थी। इस एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, जो उस समय गरम दल के नेता समझे जाते थे। इस एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में शक्तिशाली जनमत का निर्माण करना तथा समान राजनीतिक हितों और महत्वाकांक्षाओं के आधार पर विविध भारतीय जातियों तथा वर्गों का एकीकरण करना था। देखिए, मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1869 में, 1881 में, 1883 में, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। एक्सप्लेनेशन, मद्रास महाजन सभा का गठन वर्ष 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय तमिलनाडु में स्थित था। इस सभा का उद्देश्य स्थानीय संगठन के कार्यों को समन्वित करना था। क्वेश्चन देखिए, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, मैक्स मूलर ने, चार्ल्स विलियम ने, विलियम जोन्स ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विलियम जोन्स ने। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित कोर्ट विलियम में की थी। पूरे एशिया महाद्वीप में एशियाटिक सोसाइटी ज्ञान और अनुसंधान का सबसे पुराना केंद्र है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था, बम्बई में हुआ था, मद्रास में हुआ था, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो यह हुआ था बम्बई में। तो इसका आंसर होगा बी, बम्बई में हुआ था। एक्सप्लेनेशन देखिए, सन 1885 में एओ मुयूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। इसका पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में वयोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बंबई में हुआ तथा 1886-1887 में दूसरा व तीसरा अधिवेशन क्रमशः कलकत्ता एवं मद्रास में दादा भाई नरोजी व बदरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में हुई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, कमला नेहरू। तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एक्सप्लेनेशन देखिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वर्ष 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, आर एन मुधोलकर, ए सी मंजूमदार, मदन मोहन मालवीय, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आर ए मधुलकर। तो कौन थे, आर ए मधुलकर। एक्सप्लेनेशन देखिए,
1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष आर एन मधुलकर थे। देखिए लखनऊ समझौता हुआ था 1915 या 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1916 में लखनऊ समझौता। तो इसका आंसर होगा बी एक्सप्लेनेशन। लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त सत्र में दोनों दलों के बीच एक समझौता था। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सी आर दास ने की थी। इस अधिवेशन में सी आर दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रवेश के समर्थन में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका नाम चित्रंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे। तो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा चित्रंजन दास थे। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्रंजन दास थे। को वो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष चित्रंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? कलकत्ता 1911, पटना 1919, रामगढ़ 1940, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। इस अधिवेशन में चंपारण के रैयतों के नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की और नील उत्पादकों की शिकायतें रखी। लखनऊ अधिवेशन में ही कृषि संकट की जांच के संबंध में ब्रज किशोर प्रसाद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गांधी जी चंपारण गए एवं 1917 में अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। देखिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? सूरत अधिवेशन 1907, गया अधिवेशन 1922, कराची अधिवेशन 1931। तो इसका आंसर होगा सी। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए और इसके साथ ही राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसी अधिवेशन में गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कराची अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 45वां अधिवेशन था। सूरत अधिवेशन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल में विभाजित हो गया। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। और गया अधिवेशन 1922 की अध्यक्षता में सी आर दास ने की थी। देखिए क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपरोक्त विचार किस नेता के थे? सी राजगोपालाचार्य के, लाला लाजपत राय के, विपिन
विपिन चंद्रपाल के इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। एक्सप्लेनेशन देखिए, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपरोक्त विचार लाला लाजपत राय का था। उन्होंने वर्ष 1916 में अपनी पुस्तक यंग इंडिया में सेफ्टी वाल्व थ्योरी का उपयोग किया और कहा कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? कानपुर अधिवेशन 1925, लाहौर अधिवेशन 1929, कराची अधिवेशन 1931, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा लाहौर अधिवेशन 1929। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत पारित हुआ था। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को, रास बिहारी बोस को, जवाहरलाल नेहरू को, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा ए, पट्टाभी सीतारमैया को। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन 1939 ईस्वी में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया की पराजय हुई। संभवतः महात्मा गांधी की यह सबसे बड़ी हार थी, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी में महात्मा गांधी के समर्थकों का बहुमत होने के कारण उन्होंने वर्ष 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। शेष समय के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष का पद सौंपा गया। देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये पटना में हुआ था, भागलपुर में होता, मुजफ्फरपुर में, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा पटना। तो एक्सप्लेनेशन देख, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। यह सम्मेलन मई 1934 में हुआ था। इस सम्मेलन के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया था? बायकॉट के, हड़ताल के, शोक के, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा शोक के रूप में मनाया था। एक्सप्लेनेशन देखिए, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिसंबर के रूप में मनाया गया था। इस दिन हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर अपनी एकता दिखाई। बंगाल का विभाजन बंगाल के पूर्वी भागों को शेष बंगाल से अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन देखिए, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब? 16 अक्टूबर 1905 को, पिछले क्वेश्चन में भी देखा था हमने, तो इसका आंसर होगा सी, 16 अक्टूबर 1905 को। एक्सप्लेनेशन देखिए, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ, जबकि इसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 में की गई।
बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय एकता पर प्रहार किया और देश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश की। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द कर दिया गया। देखिए क्वेश्चन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो इसका बंगाल विभाजन में, होम रूल आंदोलन में, असहयोग आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन में। एक्सप्लेनेशन देखिए एक्सप्लेनेशन, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को भारत में बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के दौरान अपनाया गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। भारतीयों द्वारा लगातार विरोध के कारण वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने विभाजन को रद्द कर दिया। इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो एक्सप्लेनेशन देखिए बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। इसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही नए राज्यगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑप्शन बी, इसने केवल वेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ऑप्शन सी, 1946 इसलिए कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में गांधी कार्रवाई और सहारा लिया। देखिए उपरोक्त में से एक से अधिक, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है क्योंकि मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों में मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1975 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को अस्वीकार किया था, इससे खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा था? तो ये 22 दिसंबर 1939, 23 मार्च 1940 को मांग का प्रस्ताव रखा था। तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में भारत से पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन देखिए आप, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी बेसर ने, जी एस खापड़े ने। तो इसका आंसर हो उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रस्तावित था।
होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। देखिए क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? 22 दिसंबर 1941 को, 17 अक्टूबर 1939 को, 22 दिसंबर 1940 को, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन देखिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? पूना में, बम्बई में, नागपुर में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पूना में, पूना स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लिंग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लिंग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसका उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। एक्सप्लेनेशन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। देखिए, किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? देखिए, ऑप्शन ए सचित्र नाथ सान्याल ने, बंकिम चंद्र मित्र ने, रघुवीर सिंह ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सचित्र नाथ सान्याल ने इसका आंसर होगा ये। एक्सप्लेनेशन देखिए, अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचित्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा तथा बरिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। देखिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डूंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो सैन फ्रांसिस्को, बैकोवर, सिंगापुर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा सिंगापुर। एक्सप्लेनेशन देखिए, गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डूंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सोवन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। देखिए, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना घटी? 1906 में, 1907 में, 1908 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 1908 में। एक्सप्लेनेशन देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। क्वेश्चन देखिए, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बापट, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विनय
विनायक दामोदर सावरकर सावरकर इसका आंसर होगा ए। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में इसकी स्थापना की थी। ध्यातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वार ओवर इंडियन इंडिपेंडेंस तथा हिंदुत्व हिंदू कौन है प्रमुख है। देखिए किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नासिक षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा मेरठ षड्यंत्र मामला। एक्सप्लेनेशन दे, मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत तीन ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रिट ब्रेड के केस्टर हचिनसन गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम ए अंसारी, के एन काटजू, एम सी कांगला आदि ने पैरवी की थी। देखिए असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था 1921 में, 1922 में, 1923 में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त, ये 1922 में। तो एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए असहयोग आंदोलन को चोरी चोरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाकर मार दिए गए थे। देखिए निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? राजस्व में कमी, बेगार उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतीहरों का प्रवेश खोलना, और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेनेशन दे, असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व में कमी करना, बेगारी का उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना था। आदिवासी खेतीहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग की। क्वेश्चन देखिया, खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुइनुद्दीन चिश्ती ने, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने, खान का अब्दुल गफ्फार खान ने, सर सैयद अहमद खान ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, देखिए खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में पश्तून स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था। यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसक आत्मक आंदोलन से प्रेरित था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1929 में की गई थी।